नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 32 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। झारखंड कैबिनेट की बैठक गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में हुई। इसमें कई अहम निर्णय लिए गए। बता दें, कैंसर और रेबीज को अधिसूचित बीमारी घोषित करने की स्वीकृति दी गई। इतना ही नहीं, झारखंड की त्रिस्तरीय पंचायतों को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य प्रशिक्षण नीति 2023 के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के नए थाने एवं ओपी का सृजन एवं ओपी को थाना के रूप में उत्क्रमित करने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई। इतना ही नहीं, थाना एवं ओपी के कार्य क्षेत्र का पूर्ण निर्धारण करने की भी स्वीकृति दी गई है। बता दें, लोहरदगा जिले में 23 जनवरी 2020 को विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले नागरिक संशोधन कानून के समर्थन में निकाले गए जुलूस के दौरान पथराव, आगजनी एवं उपद्रव, सांप्रदायिक तनाव से प्रभावित कुल 91 व्यक्तियों की चल अचल संपत्ति के नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए कुल 51,53,600 रुपये मुआवजा भुगतान की स्वीकृति भी दी गई। इस तरह 32 प्रस्तावों को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। रबी फसल के लिए किसानों को सरकार देगी निःशुल्क बीज। झारखंड में वर्ष 2022 की तरह इस वर्ष भी खराब मौसम और मानसून के शुरुआती महीने में बेरुखी से खरीफ की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। राज्य के 28,27,460 हेक्टेयर में से 17,63,606 हेक्टेयर में ही फसल लग सकी, जबकि 10,63,852 हेक्टेयर खेत खाली रह गए। जिन खेतों में खरीफ की फसलें उगाई गई है वहां पैदावार कम होने की आशंका है। ऐसे में राज्य सरकार दो योजनाओं पर आगे बढ़ रही है। खरीफ में हुए नुकसान की भरपाई रबी से करने के लिए किसानों को चना और सरसों का बीज निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। वहीं मसूर के बीज वितरण की भी योजना है। वहीं जिन लोगों ने प्रतिकूल मौसम के बावजूद अपने खेतों में धान मकई की फसल लगाई है और उनकी उपज प्रभावित होने की आशंका है, उनके लिए इस वर्ष भी फसल राहत योजना शुरू की गई। इसके लिए 15 अक्टूबर तक किसान किसी भी प्रज्ञा केंद्र में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीएम हेमंत दिल्ली में गृह मंत्री की बैठक में होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली के विज्ञान भवन में शुक्रवार को होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंच चुके हैं। सीएम के साथ मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, गृह सचिव अविनाश कुमार व डीजीपी अजय कुमार सिंह भी गुरुवार शाम दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बता दें, झारखंड के नक्सल प्रभावित जिलों में विकास योजनाओं तक की अघतन स्थिति और सुरक्षा बलों के अभियान की प्रगति से शाह को अवगत कराया जाएगा। बैठक में राज्य के 19 आकांक्षी जिलों पर भी बात होगी। बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और यूपी व बंगाल भी शामिल होंगे। झारखंड बोर्ड 9वीं से 11वीं कक्षा तक के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। झारखंड में 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तिथि 28 अक्टूबर है। रजिस्ट्रेशन करने पर ही 2024 की 9वीं से 11वीं की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे और 2025 में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा दे पाएंगे। झारखंड एकेडमी काउंसिल समेत स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को गाइडलाइन भेज दिया है। छात्र छात्राएं बिना विलंब शुल्क के 28 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन भर सकेंगे। वहीं विलंब शुल्क के साथ 1 से 10 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन होगा। बता दें, 1 मार्च 2011 के बाद जन्मतिथि वाले छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने जेपीएससी मामले में 2 सप्ताह में मांगा अभियोजन का ब्यौरा। जेपीएससी की प्रथम और द्वितीय सिविल सेवा परीक्षा में गड़बड़ी मामले के आरोपियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति के मामले पर विस्तृत जानकारी देने के लिए सीबीआई ने 2 सप्ताह का समय मांगा है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से बताया गया है कि इस मामले की जाँच चल रही है, अभियोजन का ब्यौरा देने के लिए समय चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सीबीआई को 2 सप्ताह में अद्यतन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। राज्य में 26,001 सहायक आचार्यों की भर्ती पर से रोक हटी। झारखंड में 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने नियुक्ति के लिए निकले विज्ञापन पर लगी रोक वापस ले ली है।
साथ ही प्रार्थी के लिए 100 सीट रिक्त रखने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने गुरुवार को यह निर्देश दिया। इसके पूर्व हाई कोर्ट में 5 सितंबर को नियुक्ति के लिए निकले विज्ञापन पर रोक लगा दी थी। अदालत ने सरकार और जेएसएससी से जवाब मांगा था। सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पीपरवाल एवं प्रिंस कुमार ने अदालत को बताया कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 में संविदा पर शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मियों को 50% आरक्षण की सुविधा दी गई थी। बाद में संविदा कर्मियों को आरक्षण समाप्त कर दिया गया और नियमावली संशोधित की गई है। झारखंड के हर पंचायत को 10 चापानल और प्रोत्साहन पुरस्कार। झारखंड की पंचायतों के लिए मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना शुरू होगी। इसमें उत्कृष्ट स्वच्छ व स्वच्छ पंचायत और ग्राम सभा को पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार राशि में पंचायतों को 4 लाख से 20 लाख रुपए तक मिलेंगे। वहीं पेयजल की समस्या के निदान के लिए राज्य की 4351 ग्राम पंचायतों में 10-10 चापा कल लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में 32 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया है कि मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना को मंजूरी दी गई है। मारपीट के मामले में रिम्स के 8 डॉक्टरों के खिलाफ केस दर्ज। रिम्स में बुधवार को एक मरीज के परिजन से मारपीट के मामले में सुखदेव नगर इलाके के मुकेश यादव ने बरियातू थाना में FIR दर्ज कराई है। प्राथमिकी में रिम्स के 8 डॉक्टरों को आरोपी बनाया गया। केस के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। बता दें कि बसंत यादव नामक एक वृद्ध मरीज को मुकेश रिम्स लेकर पहुंचे थे। बसंत को कई दिनों से बुखार था और वो अचेत अवस्था में थे। ट्रामा सेंटर में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने ABG जांच के लिए कहा। इसके बाद मुकेश व उनके भाई काउंटर नंबर 4 पर गए। वहां तैनात महिला चिकित्सक ने उन्हें एक पेपर का 100 कॉपी जेरोक्स कराने को कहा, जिस पर परिजन ने असमर्थता जताते हुए इलाज की गुहार लगाई। वहीं परिजन वीडियो बनाने लगे। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। महिला चिकित्सक ने कुछ साथियों को बुलाकर मुकेश की पिटाई कर दी। किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त को EKYC जरूरी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त के लिए कई पैमानों पर लाभार्थियों को खरा उतरना होगा। राशि उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनका EKYC पूरा कर लिया गया है। वहीं लैंड डिटेल्स सीडिंग किया जा चुका हो, बैंक खाता आधार से जुड़ा हुआ हो और DBT इनेबल्ड हो, जिन किसानों का यह काम नहीं हुआ है उन्हें 15वीं किस्त से वंचित होना पड़ेगा। बता दें किसानों के EKYC के लिए प्रज्ञा केंद्र, भारतीय डाक, भुगतान बैंक, अंचल कार्यालयों व कृषि विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सभी प्रखंडों के पंचायत भवन में सहायता शिविर लगाया जाएगा। यह 12 अक्टूबर तक चलेगा। पड़ोसी राज्यों के पुलिस के सहयोग से कोल्हान में नक्सलियों पर नकेल कसने की कवायद। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग सभी क्षेत्रों में उन्हें कामयाबी मिली है, लेकिन कोल्हान में सुरक्षा बलों को सफलता नहीं मिल पाई है। इसी को लेकर अब झारखंड पुलिस अपने पड़ोसी राज्यों की पुलिस की मदद लेने वाली है, ताकि कोल्हान में नक्सलियों पर पूरी तरह से नकेल कसा जा सके। इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। बता दें झारखंड के कोल्हान में पिछले 11 महीने सुरक्षा बलों और शीर्ष नक्सली कमांडरों के बीच भीषण संघर्ष चल रहा है। यह कह सकते हैं कि सरंडा में एक तरफ से युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। ID विस्फोट से कोल्हान के बिहड़ा कांप रहे हैं। पुलिस लगातार जवाबी कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन पूरी सफलता नहीं मिल पा रही। रांची में नाबालिग लड़की से गैंग रेप। रांची के धुरवा इलाके में रहने वाले नाबालिग के साथ गैंग रेप के आरोप में पुलिस ने गुरुवार को एक नाबालिग दीपक कुमार, बंटी तिर्की और नितेश कुमार को गिरफ्तार किया है। नाबालिग को बाल सुधार गृह में भेजा गया, जबकि अन्य आरोपितों को जेल भेज दिया गया। धुरवा थानेदार ने बताया है कि नाबालिग धुरवा डैम घूमने गई थी। इसी बीच दीपक कुमार वहां पहुंचा और नाबालिग को बहला फुसला कर खूंटी स्थित हिरण पार्क ले गया। पार्क में दीपक कुमार ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और फिर मौके पर अपने 3 दोस्तों को बुला लिया। CM हेमंत की याचिका पर शुक्रवार को HC में होगी सुनवाई। ED के समन के विरुद्ध मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। ED हाई कोर्ट में पहली सुनवाई का इंतजार करेगी। कोर्ट का क्या रुख होगा, इस पर ED की नज़र है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट से पीड़क कार्रवाई पर रोक का भी आग्रह किया है। उन्होंने हाई कोर्ट में बताया है कि उन्हें केंद्र के इशारे पर ED परेशान कर रही है।
पूर्व में उन्होंने ईडी को जांच में सहयोग किया था और ईडी कार्यालय गए भी थे। उन्होंने ईडी को अपने आय व्यय का पूरा ब्यौरा भी सौंपा था। इसके बावजूद ईडी उन्हें दूसरे मामले में समन कर परेशान कर रही है। जाति जनगणना को लेकर सीएम हेमंत बोले, यह हमारी पुरानी मांग। बिहार के बाद जाति आधारित जनगणना को लेकर झारखंड में भी सुगबुगाहट बढ़ गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को कहा है कि जातिगत जनगणना को लेकर 2021 से ही प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल को विधानसभा से पारित कर आरक्षण से संबंधित विधेयक भेजा गया है। सरकार का स्पष्ट मानना है कि जो जिस समूह में जितने संख्या में हैं उतना अधिकार उनको मिले। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी दलों की सहमति से 2 साल पहले जाति आधारित जनगणना के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। दिल्ली में झारखंड के सर्वदलीय शिष्टमंडल के सदस्यों ने जाति आधारित जनगणना कराने संबंधी मांग पत्र गृह मंत्री को सितंबर 2021 में सौंपा था। झारखंड के निजी अस्पतालों में नर्सों को देना होगा 20,000 रुपया। झारखंड कैबिनेट की बैठक 5 अक्टूबर को दिन के 2 बजे से प्रोजेक्ट भवन सभागार में हुई। बता दें, स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया है कि इसके तहत झारखंड के निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम में काम करने वाली नर्सों को अब किसी भी परिस्थिति में 20,000 से कम वेतन नहीं दिया जा सकता। राज्य में 200 बेड वाले निजी अस्पतालों में नर्सों का वेतन भत्ता सरकारी अस्पतालों में काम करने वाली नर्सों के बराबर होगा। वहीं 100 से अधिक बेड वाले निजी अस्पतालों की नर्सों को वेतन और भत्ता सरकारी अस्पतालों से सिर्फ 10% कम मिलेगा। आदेश का पालन नहीं करने पर अस्पतालों व नर्सिंग होम पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। टीम इंडिया जीतेगी क्रिकेट वर्ल्ड कप, धोनी के फैंस की दुआ। 5 अक्टूबर से क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज हो गया है। भारत का पहला मुकाबला 5 बार विश्व चैंपियन रही ऑस्ट्रेलिया के साथ 8 अक्टूबर को होना है। लिहाजा महेंद्र सिंह धोनी के शहर रांची में क्रिकेट एक त्यौहार का रूप ले चुका है। हर भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को भरोसा है कि इस बार फिर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी। बता दें, वर्ल्ड कप के आगाज की खुशी में महेंद्र सिंह धोनी के आवास के सामने कुशमाही क्रिकेट क्लब के बैनर तले खेल प्रेमी जमा हुए और भारत माता की जय और वंदे मातरम का उद्घोष किया। क्लब के संचालक क्रिकेटर सुबोध कुमार ने क्लब की ओर से टीम इंडिया को ऑल द बेस्ट कहा है। रांची के दुर्गा पूजा पंडालों में खर्च हो रहे 100 करोड़। झारखंड में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारी को अंतिम रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। रांची में भी अलग अलग थीम पर लगभग 178 पंडाल बनाए जा रहे हैं, जिसकी लागत लगभग 100 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। बता दें, वैसे तो दुर्गा पूजा बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में बृहद रूप से मनाया जाता है, मगर झारखंड में माँ दुर्गा की आराधना खास तरीके से की जाती है, जिस वजह से यहाँ के लोग अन्य प्रांतों से भी इस मौके पर आते हैं और पूजा का आनंद उठाते हैं। दुर्गोत्सव को लेकर उत्साह का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजधानी रांची सहित राज्य के सभी प्रमुख शहरों में विशेष रूप से पूजा पंडाल की तैयारी कई महीनों पहले से शुरू हो जाती है। इन पूजा पंडालों पर होने वाले खर्च आश्चर्य में डाल देंगे। बता दें, रांची के नगर निगम क्षेत्र में बनने वाले दुर्गा पूजा पंडाल की बात करें तो करीब 178 पूजा पंडाल इस बार बन रहे हैं, जिस पर करीब 100 करोड़ खर्च होने की बात बताई जा रही है। शराब बेचने के लिए सरकार रखेगी दैनिक मजदूरी पर सेल्समैन। राज्य सरकार शराब बेचने के लिए दैनिक मजदूरी पर सेल्समैन रखेगी। राज्य के वैसे जिले जहां प्लेसमेंट एजेंसी का चयन नहीं किया गया है, वहां दैनिक मजदूरी पर सेल्समैन नियुक्त कर शराब की खुदरा बिक्री की जाएगी। उत्पाद विभाग ने इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा है। प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य में झारखंड राज्य बीवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन किया जाता है। JSBCL प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों की दुकानों में शराब के खुदरा बिक्री कर रही है, लेकिन कई जिलों में प्लेसमेंट एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती, जिसका असर शराब की बिक्री से राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व पर पड़ रहा है। राजस्व हित में प्लेसमेंट एजेंसी का चयन होने तक उन जिलों में आपात व्यवस्था के तहत दैनिक परिश्रमिक के रूप में विक्रेताओं की सेवा प्राप्त कर खुदरा दुकानों का संचालन किया जाएगा। धन्यवाद।